समर स्लैम पे पर व्यू के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है निकलकर सामने, क्या जॉन सीना WWE को लीव करने वाले हैं? क्या ये जॉन सीना का फाइनल मैच था WWE में? क्या जैसा रोमन रेंज ने कहा था कि वो जॉन सीना को हॉलीवुड के अंदर एक बार फिर से बैक करके वापस भेज देंगे, और मे बी ये लास्ट मैच जॉन सीना का हो सकता है? क्या कुछ रियलिटी है पूरी? क्या कुछ फ्यूचर प्लान होने वाले सीना के लिए? क्या अब वो 10 सितंबर वाले स्मैकडाउन के शो में आएंगे या फिर नहीं? क्या अब लेजनर वर्सेस सीना वर्सेस रोमन के बीच मैच होने वाला है? सारी बातें एकदम डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही में फाइनली गोल्डबर्ग के बेटे ने भी अपना दे दिया रिएक्शन जब समर स्लैम पेपर व्यू में उनकी होगी धुलाई। बॉबी लैशल ने भी कहा कि गोल्डबर्ग को खत्म करने के बाद वो रेडी हैं किसी भी सुपरस्टार के लिए। सामोआ जो ने भी एक बार फिर से एनएक्सटी चैंपियन बनकर एक बड़ी हिस्ट्री कर दी क्रिएट। बेकी लिंच के क्या होने वाले हैं आने वाले टाइम में स्मैकडाउन के फ्यूचर एंड डेफिनेटली जॉन सीना के बारे में फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग करने वाले हैं बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो के सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गोल्डबर्ग के बेटे यानी कि गेज के साथ में, और फाइनली गेज ने भी अपना रिएक्शन दे दिया जब उनकी भी धुलाई बॉबी लैशली के हाथ हो गई थी समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। ऐसे फैमिली को इन्वॉल्व करने के कारण आई थिंक लैशली के इस वाले मैच को थोड़ी बहुत प्रेज मिली है, क्योंकि भाई लैशली को सही में काफी ज्यादा डोमिनेट वे में बुक किया जा रहा है, और मजा आएगा आगे देखने में कि कौन फेस करने वाला है लैशली का। लेकिन समर स्लैम पेपर व्यू के बाद जो गेज यानी कि गोल्डबर्ग के बेटे वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी हमें अपनी फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और वो कहते हैं मैं अपने आप को एक बार फिर से रीग्रुप करने जा रहा हूँ, अपने आप को एक बार फिर से जोड़ने जा रहा हूँ जब मैं पहुंचने वाला हूँ घर वापस। तो लग ऐसा रहा है भाई गोल्डबर्ग की जो कहानी है वो यहीं तक थी, अब आने वाले टाइम में लैशली को एक न्यू चैलेंजर मिलने वाला है, और लेट्स सी कि आने वाले टाइम में गोल्डबर्ग के बेटे भी WWE के अंदर आते हैं या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो WWE चैंपियन बॉबी लैशली के बारे में जुड़ी है, और गोल्डबर्ग को खत्म करने के बाद लैशली ने कहा कि भाई जो मर्जी आ जाओ, जो माइकल लाल है मैं उसे फेस करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हूँ। क्योंकि रिसेंटली जो लैशली है वो वार्निंग एक तरह की देते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पा रहे होंगे, और वो कहते हैं वो सबके लिए रेडी है, जिसको भी आना भाई वो आके लैशली का फेस कर सकता है, और गोल्डबर्ग तो हो चुका है खत्म हैशटैग के अंदर वो करते हैं मेंशन। तो लग ऐसा रहा है फाइनली एक न्यू चैलेंजर मिलने वाला है समर स्लैम पेपर व्यू के बाद, क्योंकि जिस तरीके समर स्लैम की एंडिंग हुई थी ना और गोल्डबर्ग ने कहा था कि भाई मैं तुझे जिंदा मार दूंगा, तो ऐसा लग रहा था कि शायद गोल्डबर्ग वर्सेस लैशली एक बार फिर से होगा। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि लैशली को फाइनली एक न्यू अपोनेंट मिलने वाला है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो अपने डिस्ट्रॉयर सामोआ जो के बारे में जुड़ी है। फाइनली सामोआ जो ने एक बार फिर से NXT चैंपियनशिप को किया कैप्चर, उन्होंने हरा दिया कैरियन क्रॉस को शो के ऊपर, और भाई सामोआ जो ने इतिहास भी रच दिया, क्योंकि WWE की हिस्ट्री के अंदर सामोआ जो ऐसे पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जो कि बने हैं 3-time NXT चैंपियन। तो देखते हैं सामोआ जो कि ये जो हिस्टोरिक टाइटल रेन है वो कौन हमें एंड करता हुआ नजर आता है, क्या कोई न्यू अपकमिंग स्टार आएगा जो कि सामोआ जो कि इस टाइटल रेन को खत्म करेगा, या फिर कोई मेन रोस्टर का सुपरस्टार एक बार फिर से NXT के अंदर वापस भेजा जाएगा। आई थिंक मजा आएगा सामोआ जो को एज NXT चैंपियन देखने में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है अपने करंट स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन द मैन बेकी लिंच के बारे में। फाइनली बेकी लिंच आई थी वापस समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, और आने के बस कुछ ही सेकंड बाद वो हमें बियांका बेलेयर को कुछ ही सेकंड्स के अंदर हराती हुई नजर आती हैं। तो अब क्या होने वाला बेकी लिंच का फ्यूचर जब वो स्मैकडाउन के अंदर आ चुकी हैं? तो इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं सामने, और वह PW इनसाइडर ये बात कंफर्म करता है और फाइटफुल सिलेक्ट भी ये बात कंफर्म करता है कि आने वाले टाइम में जो बेकी लिंच है वो एज अ टॉप हील हमें स्मैकडाउन की दिखाई देंगी वुमेन्स डिवीजन के अंदर, यानी कि वो बेबी फेस सुपरस्टार नहीं रही है। अब जो भी वो काम करेंगे वो चीटिंग वाला कर सकती हैं, या फिर आप कह सकते हो एक विलन टाइप का जो रोल है वो हमें वुमेन्स डिवीजन के अंदर निभाती हुई नजर आएंगी, और यही वो रीजन है कि वो अचानक से बेकी लिंच आने के बाद हमें न्यू चैंपियन बनती हुई नजर आए। क्योंकि WWE भी चाहती थी कि जो फैंस है वो हमें बेकी लिंच को किसी भी तरीके से नेगेटिव रिएक्शन देते हुए नजर आए, यानी कि उन्हें बू मिलती हुई नजर आए। फिलहाल जो बेकी लिंच है अब वो आने वाले स्मैकडाउन के शो में एज चैंपियन आएंगी, तो मजा आएगा देखने में ऑडियंस किस तरीके से उनके न्यू चैंपियन बनने को लेकर हमें रिएक्ट करती हुई नजर आती है। और जो उनका पहला फ्यूड होने वाला है बियांका बेलेयर के अगेंस्ट ही होने वाला है, तो लेट्स सी बेकी लिंच इस फ्यूड के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन अभी फिलहाल जो अपनी द मैन है अब वो एक हील सुपरस्टार बन चुकी है। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है अपने सीनेशन लीडर 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना एक बार फिर से आए वापस, उन्होंने दिया हमें एक और यादगार मोमेंट WWE की हिस्ट्री में, क्योंकि वो लाए समर ऑफ सीना, उन्होंने फेस किया रोमन रेंस का, और अल्टीमेटली रोमन रेंस से हारने के बाद उनका क्या होने वाला है फ्यूचर एक बार फिर से जॉन सीना को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन बन चुकी है। मैंने देखा रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर ने यह बात कही थी कि भाई जॉन सीना का WWE के अंदर आखिरी मैच था, अब वो WWE को कर चुके हैं लीव, और WWE के अंदर एक बार फिर से वो वापस नहीं आने वाले। साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही थी कि अब वो एक परमानेंट हॉलीवुड स्टार बन चुके हैं द रॉक की तरह, और WWE के अंदर ये था उनका
का रिटायरमेंट मैच। लेकिन भाई एक्चुअल में जो सिचुएशन है ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो आती हैं सामने पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, और दोनों जो रिपोर्ट्स हैं वो इस बात को कंफर्म करती हैं कि जॉन सीना अब डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने वाले जरूर। उनका हॉलीवुड के अंदर भी फिलहाल काफी ज्यादा काम पेंडिंग बचा है। अभी फिलहाल उन्होंने बहुत सी मूवीज के साथ साइन कर लिए जिनकी शूटिंग होना बाकी है, इसलिए अब जॉन सीना में डब्ल्यूडब्ल्यू को आप कह सकते हो लीव करते हुए नजर आएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू से एक बार फिर से उनकी एब्सेंस होने वाली है। इनफैक्ट क्रिएटर राइटर्स को भी ये बात बता दी गई है कि भाई जॉन सीना अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है, अब आपको जो बुकिंग करनी है वो विदाउट जॉन सीना करनी है स्मैकडाउन के एपिसोड की। और अब ऐसा भी नहीं है कि भैया जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच था, जॉन सीना का फाइनल मैच था। अब जो भी ये बात कह रहा है अजी घंटा, ऐसा कुछ नहीं था। जॉन सीना जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक मैच आता है रेसल करने के लिए, वो मैच हमें हारते हुए नजर आते हैं। तो भाई तुरंत मैंने देखा हर बार यही सीन होता है कि जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं, जॉन सीना का आखिरी मैच था, लेकिन एक बार फिर जॉन सीना आ जाते हैं वापस। तो इस बार भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। और बात रही 10 सितंबर वाले स्मैकडाउन के शो की, तो माना जा रहा है मे बी अगर जॉन सीना उस शो पर आएंगे भी तो हमें डार्क मेन इवेंट के अंदर फेस करते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो जो मैच है वो टीवी पर एयर ऑन नहीं होगा। और प्रोबेबली जॉन सीना नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 38 के अराउंड एक बार फिर से आ सकते हैं वापस, और यही वो रीजन है अब वो एक बार फिर से एब्सेंस के अंदर गए ताकि जितनी भी उनकी हॉलीवुड मूवी साइन है उनके जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो निपटा कर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आते हुए नजर आए। प्लस एक और बड़ी बात आई है सामने कि सीना वर्सेस लेजनर वर्सेस रोमन नहीं होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू किसी तरीके से अब रोमन और जो लेजनर की स्टोरी लाइन है उसी को आगे कंटिन्यू करेगी और जॉन सीना का यहां पर कोई भी रोल नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आज जो लाइव इवेंट हुआ था वहां पर भी जॉन सीना हमें आते हुए नहीं नजर आए थे। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ ही में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जॉन सीना कहीं नहीं जा रहे भैया डब्ल्यूडब्ल्यू से, वही बस थोड़ी सी कैप्सेंस होगी 6-7 महीने की। और नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 38 एटीएसटी स्टेडियम 1,00,000 से ज्यादा ऑडियंस, मजा आने वाला है एक बार फिर से जॉन सीना को वहां पर वापस देखकर। और जैसे मैंने कहा वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और मिलता हूं आके आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।